विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सीलमपुर और शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उन्होंने फ्लाईओवर को समय से पूरा होने पर दिल्ली के लोगों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बधाई दी। इसे शुरू होने से रोजाना लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 303 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ रुपए में बनाकर पूरा किया गया। आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली यमुना पार्क के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये दोनों शास्त्री पार्क और सीलमपुर के दोनों फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहे हैं। यहां पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहा करती थी, बहुत ट्रैफिक जैम रहते थे, कई कई घंटे के ट्रैफिक जैम रहते थे। अब ISBT से लेके और UP बॉर्डर तक मुझे लगता है 10 मिनट में आप अपना रास्ता पार कर सकते हैं। कोई रेड लाइट नहीं है बीच में, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है और इतना शानदार और इतना अच्छी क्वालिटी का आप इस फ्लाईओवर पे से चलें तो आपको पता चलेगा कि कितना शानदार और अच्छी क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाया है। जैसा भी बताया, 303 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे और ये फ्लाईओवर 250 करोड़ में पूरा हो गया। 53 करोड़ रुपए इंजीनियर्स ने बचा लिए। तो जैसे आज वाला फ्लाईओवर है, आज ये दोनों फ्लाईओवर हैं, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 250 करोड़ में बन गए। ये जो 53 करोड़ रुपए हैं, ये पहले नेताओं की जेब में जाया करते थे, ये रिश्वत के रूप में जाया करते थे, पैसे खाया करते थे। हम लोग पैसे खाते नहीं है, रिश्वत लेते नहीं है ठेकेदार से, हम लोग इंजीनियर को बुला के पैसे लेते नहीं है, हमने हफ्ते नहीं बांध रखे। वो सारा पैसा अब जनता का बचता जा रहा है और ये जितना पैसा बचता है उसी से हम लोगों ने आपकी सारी दवाइयां मुफ्त कर रखी हैं, बिजली मुफ्त कर रखी है, पानी मुफ्त कर रखा है, स्कूल अच्छे कर रहे हैं। ये जितना पैसा बचता जा रहा है उसी पैसे से ये सारा दिल्ली के लोगों को सहूलियत हो रही है। पहले की जितनी सरकारें थी किसी ने यमुना पार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यमुना पार के लोग एक तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आज तक कोई मुख्यमंत्री जीतने के बाद यमुना पार के लोगों की तरफ नहीं आता था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले रहता ही यमुना पार में था तो मुझे पता है यमुना पार के लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती थी। इसलिए हमने इतनी सारी यमुना पार के लिए सिग्नेचर ब्रिज बना दिया। सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद कितने सहूलियत हो गई। अब ये वाले दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद रोज सुबह शाम दफ्तर आने जाने वाले लोगों को खूब सहूलियत होगी और खूब तरक्की होगी यमुना पार के लोगों की। तो मैं फिर से PWD के इंजीनियर्स को बधाई देता हूं, इतने कम समय में और इतना शानदार, इतने कम पैसे में उन्होंने ये फ्लाईओवर पूरे किए। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, यमुना पार की जनता को बधाई देता हूं कि इसके बाद आप लोगों को काफी सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।